नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। इस बार गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे बहुत ही एक्शन पैक्ड रहा। एक तरफ राजपथ में दिल्ली के सेरेमोनियल परेड हर साल की तरह हुआ, वहीं से कुछ दूर कुछ किसान गुटों ने अपने फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस किया। उनसे कहीं ज्यादा मात्रा में किसान उन लोगों ने दिल्ली के बॉर्डर्स पे अपने पूर्व निर्धारित रूट्स पर ट्रैक्टर परेड को पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न किया। अलग अलग स्टेट्स में और कई और शहरों में भी किसानों ने ट्रैक्टर परेड्स किए। आफ्टर ऑल द राइट टू सेलिब्रेट द एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोल राइट ऑफ द गवर्नमेंट। इन सब घटनाओं से बिल्कुल परे एक दूसरे किस्म का रिपब्लिक डे सेरेमनी अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर नाम के एक गांव में हुआ। फ्रॉम 1984 ऑनवर्ड व्हेन द एजिटेशन फॉर अ राम टेंपल इन अयोध्या वाज लॉन्च्ड, द टेंपल टाउन हैज सिंस देन बिकम सिनोनिमस विद conflict at the site of the contested shrine. जब जब कोई भी प्रोग्राम होता या तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से स्ट्रेस्ड हो जाती या देश का ध्यान पूरी तरह से उस पर केंद्रित हो जाता। धन्नीपुर में रिपब्लिक डे का प्रोग्राम लेकिन इस बार बिल्कुल अलग था। एक तरफ कई पेड़ पौधे लगाए गए और उसके पहले भारतीय तिरंगा फहराया गया, लेकिन दिलचस्प पहलू ये रहा, ये आयोजन एक धार्मिक स्थल के निर्माण का शुभ आरंभ था। इस्लाम में शिलान्यास और भूमि पूजन जैसे हिंदू अनुष्ठानों से मेल खाने वाली कोई रिचुअल नहीं है। हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल वीआईपीज और सेरेमोनियल रिचुअल के एब्सेंस में इस इवेंट की भी खास रिपोर्टिंग नहीं हुई। दिस इवेंट वॉज ऑलमोस्ट इग्नोर्ड बाय द मेनस्ट्रीम मीडिया इवन दो दिस वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट। आफ्टर ऑल द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ द टू श्राइन्स दैट हैड डिवाइडेड द नेशन was formally initiated on this particular day. इस दिन अयोध्या विवाद का final resolution के तौर पर देखा जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और अब तो संघ परिवार के आंदोलन के नजरे मथुरा काशी और ना जाने कितने और मस्जिदों पर या फिर monuments पर टिके हुए। आपको जरूर जानकारी होगी धन्नीपुर अयोध्या के धार्मिक बाउंड्रीज के बाहर लगभग 25 किलोमीटर दूर है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अलॉट करने के आदेश में सरकार को 2 ऑप्शन दिए थे। पहला, उस जमीन में से सेंटर अलॉट कर सकती थी जो उनके पास ऑलरेडी एक्वायर्ड राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के आसपास एक्वायर्ड पड़ी हुई थी। सेकंड ऑप्शन, स्टेट गवर्नमेंट अयोध्या में कहीं पे भी जमीन को अलॉट कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि जो सेकंड ऑप्शन को अगर चुनती है सरकार और स्टेट गवर्नमेंट वो 5 एकड़ अलॉट करती है
तो वो अयोध्या शहर के म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए या अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में। आपको याद होगा 2018 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कर दिया था। फैजाबाद एक समय में अवध की राजधानी होती थी। अयोध्या का भी इतिहास बहुत पुराना है, बट द बिलीफ दैट इट वॉज द कैपिटल ऑफ श्री राम इज बेस्ड मोर ऑन माइथोलॉजी एंड लेस ऑन हिस्ट्री। एनीवे, यू हैव टू रिमेंबर दैट द इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च अ शॉर्ट टाइम आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी assumed office declared that history of India cannot always be based on scientific evidence but has to draw from popular belief and other considerations. हमारे प्रोग्राम में हम different developments या incidents से जुड़े हुए इतिहास की बात करते हैं। इस बार लेकिन मेरा मुख्य सवाल कुछ और है। 26 जनवरी इस साल को धन्नीपुर में जो इवेंट हुआ, उसका आने वाले इतिहासकार किस तरह से उसको देखेंगे? मुस्लिम समाज में सरकार से जमीन एक्सेप्ट करने को लेकर विवाद था। असदुद्दीन ओवैसी ने तो अभी कहा है कि धन्नीपुर के मस्जिद प्रोजेक्ट के लिए डोनेशन हरम है। ओवैसी अकेले नहीं है ऐसा सोच रखने वालों में। ऐसे कई और ग्रुप्स हैं जो चाहते थे कि जमीन नहीं ली जाए। क्लियरली दो ओपिनियन थे मुस्लिम ग्रुप्स में। वन दैट विशेस टू परस्यू द पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन विद द स्टेट एंड विद द संघ परिवार। द अदर ग्रुप सेज दैट पोस्ट डिमोलिशन we must accept that there has been a significant change in societal thinking as far as Ayodhya and the Babri Masjid is concerned. This section feels that since no political party now talks of rebuilding the Babri Masjid, or rather did not talk about it prior to the 2019 verdict, it is better to carve a small niche for Muslims within this new political order and maybe hope for security and dignity which is likely to follow from that. That is their hope. Unki ye ummeed hai. Waqt batayega kya majoritarian groups is so-called jeet ke baad apne kadmon ko rokenge ya isi aggressive path par chalte rahenge. भविष्य के इतिहासकार इसी प्रिज्म के थ्रू 2021 के रिपब्लिक डे का जो सेरेमनी था धन्नीपुर में, उस इवेंट को उसी प्रिज्म के थ्रू देखेंगे। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि आंदोलन राजनीति के घेरे में 1984 से था। उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये अतीत का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या होगा धन्नीपुर में 26 जनवरी 2021 के इवेंट का इतिहास? क्या ये मस्जिद भविष्य के हिंदुस्तान में मुसलमानों के डिग्निफाइड इंक्लूजन का प्रतीक होगा, या क्या उनके मार्जिनलाइजेशन का एक कांस्टेंट रिमाइंडर होगा? अपने मन में इन सवालों को डेलिबरेट कीजिए, लेकिन उसके पहले दो बातों को फैक्टर करिए। पहला, ये नए मस्जिद का नाम ना तो बाबरी मस्जिद होगा और ना ही किसी मुगल या किसी अन्य बादशाह के नाम पर रखा जाएगा। बिफोर गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, let us try to understand the second aspect related to the new project which is going to come up in Dhannipur. That is to understand that this mosque is part of a
project of the Indo-Islamic Cultural Foundation, which has been formed to manage this site. इस 5 acre के प्लॉट में क्लियरली 3 डिमार्केटेड स्पेसेस होंगे. पहला जहां इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर होगा, यहां एक म्यूजियम और लाइब्रेरी होगी और एक पब्लिकेशन पर यहां काम होगा. दूसरे सेक्शन में 200 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, इससे अटैच कम्युनिटी किचन बनाया जाएगा. यहां 2000 लोगों को हर रोज पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. तीसरे सेक्शन में मस्जिद होगी, जहां 2000 नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकेंगे. इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर का नाम प्रतिष्ठित 1857 के स्वतंत्रता सेनानी अहमदुल्ला शाह के नाम पर रखा जाएगा. अस्पताल का नाम अभी तक तय नहीं किया गया है. मस्जिद का नाम धन्नीपुर मस्जिद होगा. बाबरी मस्जिद का फॉर्मल एग्जिस्टेंस 6 दिसंबर 1992 को खत्म हो गया था. अगर हम 1528 को मस्जिद के इतिहास का शुरुआत माने तो उसका इतिहास 364 years लंबा था. इस पीरियड में से 136 साल 136 years मस्जिद के कॉन्टेस्टेड रिलीजियस साइट के तौर पर थे. क्या धन्नीपुर मस्जिद बाबरी मस्जिद के लेगेसी को पीछे छोड़ पाएगी? विल द न्यू futuristically designed mosque, which neither has a dome nor does it have any minaret, will it have an independent history that begins with this year's Republic Day ceremony in the Dhannipur village? Ek adarsh sthiti mein Dhannipur ke naye masjid ke nirman se Babri masjid ka itihas ka closure हो जाना चाहिए. मुझे लेकिन डर किसी और बात का है. बाबरी मस्जिद आफ्टर ऑल वाज नॉट द ओनली मॉन्यूमेंट और श्राइन दैट वाज इन द फायरिंग लाइन ऑफ द संघ परिवार. ऐतिहासिक मस्जिदों और दूसरे मॉन्यूमेंट्स का टेक ओवर पहले भी एक कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट था और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है. ये बात सही है, संघ परिवार ने अयोध्या को एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर 1984 में ही अपनाया था, लेकिन इससे पहले जो ग्रुप्स एक्टिव थे वो हिंदुत्व विचारधारा और मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस के प्रोग्राम्स के साथ इसी इकोसिस्टम का हिस्सा थे. इतिहास हमें बताता है बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के निर्माण करने का प्रोग्राम 1850s में शुरू हुआ, लगभग 170 साल पहले. सन 1855 में कुछ बैरागी साधुओं ने मस्जिद के बाहर राम चबूतरा को रेज किया, जब उस पीरियड में उन्होंने कुछ दिन के लिए बाबरी मस्जिद पर कब्जा जमा लिया था. उसके बाद कई दशकों तक इस चबूतरे पर मंदिर बनाने की बात थी. 1885 में जब पहली बार ये विवाद अदालत तक पहुंची तब भी यही मांग थी, बाबरी मस्जिद को हटाने की या उसे डिमोलिश करके एक मंदिर बनाने की बात कभी उठाई नहीं गई थी. कहानी 1940s में बदली जब हिंदू महासभा के नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पिरिचुअल एंसेस्टर महंत दिग्विजयनाथ मैदान में उतरे. ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लानिंग द
installation of the idol of Ram Lala inside the Babri Masjid. This was done by stealth in the middle of the intervening night of 22nd and 23rd December 1949. Subah jab hui, the Babri Masjid de facto Ram Mandir mein tabdeel ho chuka tha. 3.5 dashakon tak criminal trespass into a building ke cases civil courts mein pending rahe. Uske baad ye ek rajnitik mudda ban gaya 1984 onward. Ram Janmabhoomi andolan ke chalte Sangh Parivar ko 4 mukhya safaltaen mili hain. First, of course, is the emergence of a homogenized Hindu community that is united in the pursuit of an objective that is believed or considered to be of common good. Second, there is a shift towards monotheism from polytheism within Hinduism. That is what I am talking about. Teesri safalta, Islam aur Muslimanon ko ek evil force ya simply ek evil object ke taur par dekhne ki pravatti badi hai. Aur finally, jin Hinduon ki itihasik conflicts mein mrityu hui hai, unko shahidon ke taur par dekha jane laga hai. Is pure process mein Muslimanon ka political marginalization bada hai. Dhannipur Masjid complex ka construction process ki shuruaat itihas ka ek bahut hi mahatvapurn turning point hai. Is itihas ke panne ko hum aage chalke kis tarah se dekhenge ya kis tarah se padhenge wo to waqt hi batayega. Namaskar. Thank you.